ओके लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, सर्वर रन कर लेते हैं। सर्वर हमारा रन हो चुका है, डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। डेटाबेस हमारा ये रहा, और अब हमारे पास अगर रिफ्रेश करें तो लर्निंग बैक एंड, सही है, ये है हमारा जिसमें हमारे यूजर्स होंगे। ठीक है, 2 से 3 यूजर बना लेते हैं, वापस आता हूँ। ये हमारी यूजर बनाने वाली एपीआई है, ये हमारी डिफॉल्ट की स्टेटिक एपीआई है, ये जो है हमारी फैच ऑल करने की एपीआई है। सही है, ओके वापस आते हैं। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए थंडर क्लाइंट, बस ये चाहिए। और इसके अलावा मैंने पूछा कि पोर्ट किस पर चल रही है, 50/50 कंट्रोल टी लोकल होस्ट 50, सॉरी 5050, वेलकम टू क्रेड एप बैकएंड, रिक्वेस्ट आई। बिल्कुल सही है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ए बी, ये भी गेट है, इसको भी चला के देख लेते हैं। बिल्कुल सही रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से किसको उठा लेते हैं, इसको, यूजर स्लैश एड, कॉपी किया दिस मैथ, ओके सिलेक्ट कर लिया। मेथड क्या है? पोस्ट, पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर लिया। हमारे पास स्कीमा में क्या रिक्वायर्ड है? 1 2 3 4, ओके राइट नाउ के लिए मैं प्रोफाइल इमेज को यहाँ से हटा रहा हूँ, सही है, क्योंकि मैं इसको वैलिडेट नहीं कर रहा, बाकी 3 चीजें वैलिडेटर है। सेव किया, वापस आते हैं, और मैं इन तीनों के लिए जा रहा, कॉपी किया, वापस आते हैं। बॉडी जेसन कंटेंट में हमने अपना डेटा डाल दिया, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, ऑल्ट शिफ्ट है, सही है। अहमद, अहमद एट gmail.com, अहमद 123, ठीक है। ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ठीक है, वो प्रोफाइल पिक्चर को पकड़ा है, तो हमें क्या करना है, जब भी कोई चेंजेस करते हैं तो सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, CCLF और NPM स्टार्ट। ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड स्टिल, सही किस वजह से नेम आएगा? ठीक है, यूजर एडिट सक्सेसफुली, जाके देख लें, W, वापस आए, रिफ्रेश, और मेरे पास है अहमद, क्लियर है, 2 यूजर और ऐड कर लेते हैं, निक, निक एंड नाइस, ठीक है, निक 1 2 3, ठीक है, इस यूजर को भी ऐड कर लेते हैं, यूजर एडिट सक्सेसफुली, वापस आते हैं, रिफ्रेश, वन टू, डेटाबेस डेटाबेस आपका रियल टाइम थोड़ी लोड होगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना इधर उधर जाकर, वो रियल टाइम फंक्शनैलिटी वर्क करेगी, वो रियल टाइम फंक्शनैलिटी वर्क, ये तो अलमारी है, इसमें तो चीजें रखी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है, आधे से ज्यादा बन तो गई, डेटा ऐड हो गया, डेटा रीड भी हो रहा है, रेंडर भी हो गया, एडिट और डिलीट रह गया। क्रेड ऐप आपको अभी तक बना लेनी चाहिए थी, एडिट और अपडेट को हटाकर। एक और आते हैं, जॉन, john@gmail.com, JOHN 123,
ठीक है, यूजर एडिट सक्सेसफुली, यहाँ से आते हैं दोबारा, रिफ्रेश करते हैं। ये आपका सिर्फ एक स्टोर है, ये आपकी फंक्शनैलिटी को हैंडल नहीं कर रहा। फंक्शनैलिटी को आपका सर्वर देख रहा है और फ्रंट एंड वाला देख रहा है, सही है। यहाँ से सिर्फ आप डेटा को फेच करा सकते हो और उसके उसको मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास तीन के तीन डेटा आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है, हमने डेटा ऐड कर लिया है जो कि अभी करके दिखाया है, डेटा फेच भी कर लिया, सही है। आप डेटा को डिलीट कैसे करेंगे? देखो, अगर आप किसी भी स्कीमा को थोड़ा सा गौर से देखो, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक अंडरस्कोर आईडी करके वो जनरेट करवा रहा है, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी करके वो कुछ जनरेट करवा रहा है। ओके, मैंने आपको बताया था शब्द जब सर्वर पढ़ा रहा था कि आपके पास एपीआई को क्रिएट करने के कितने मेथड होते हैं, चार। नंबर वन गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट, ठीक है। ओके, वापस आते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। एपीआई टू डिलीट, एपीआई टू डिलीट यूजर, डिलीट यूजर, सही है। सबसे पहले तो मैं बेसिक काम कर रहा हूँ, जब भी एपीआई बनाओ, जब भी कोई भी एपीआई बने, सबसे पहले बेसिक उसका सिंटेक्स लिखो। बेसिक तो खैर नहीं कहेंगे, ये एडवांस लेवल का बेसिक है, ये एडवांस लेवल का बेसिक है, बेसिक नहीं है। उसका बेसिक सिंटेक्स लिखो और उसको चलाकर देख लो चल रही है, फिर फंक्शनैलिटी लिखना शुरू करो। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा, अभी देख ले। मैंने लिखा ऐप डॉट डिलीट, डिलीट का मेथड यूज करना है क्योंकि अब जो एपीआई बनेगी वो डिलीट के मेथड पे चलेगी, ठीक है। ओके, मैंने बस लिख लिया डिलीट का मेथड। कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं? दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, मैंने ये लिख लिया कॉमा दिस कॉल बैक फंक्शन। और छुट्टा क्या मिस्टेक करी है? कोई मिस्टेक नहीं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस, ओके। और अब देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज ला रहा हूं, अगर सर्वर को अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा तो ये मसला करेगी। जितना मैंने पढ़ाया है, अगर अभी तक उनको डिटेल में नहीं देखा तो ये मसला करेगी, वरना ये मसला नहीं करेगी। अब मैं आपको जो एपीआई, आज जो हम एपीआई बना रहे हैं वो है क्यूरी वाली एपीआई, क्यूरी वाली एपीआई। ये जो आप एपीआई का यूआरएल देते हो, ये अगर इसी में कुछ ऐड करके देना हो तो इट इज कॉल्ड क्यूरी। क्या मतलब, देख लेते हैं। मैंने बोला कि एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट होता है ना, ये क्या है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट बना रहे हैं। मैंने लिखा स्लैश एपीआई स्लैश डिलीट स्लैश यूजर स्लैश कॉलन आईडी, कॉलन आईडी, ठीक है। अब दैट मींस एक एपीआई का यूआरएल ऐसा बनना है, बनाया है कि उसके लास्ट में आप आईडी भेजोगे, और जब एपीआई के लास्ट में क्यूरी के जरिए से आईडी आ रही होती है तो वो आपको रिसीव होती है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। अभी आपके सामने आईडी खुद दिखाएगा वो, देखते हैं। मैं आया लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स इंस्टेड ऑफ बॉडी रिक्वेस्ट डॉट पैराम, पैरामीटर है ना वो, आईडी पैरामीटर से आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला तुम्हारे अंदर क्या है, मैंने क्या सेट किया है, आईडी सेट करी, वो बता रहा है मेरे पास आईडी रखी हुई है, जो सेट करोगे वो बताएगा, ठीक है, आईडी। और अब इस आईडी को कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आईडी और आईडी लाइन नंबर 120, वो तो खैर लाइन नंबर तो खैर नहीं बताएगा, लेकिन हमें इस तरह दिखाएगा वो।
हाँ ये तो मेरी मर्जी है, कुछ भी लगाओ। वो जो एंड पॉइंट आप सेट कर रहे हो ना, वो आपने ऑलवेज ऐसे बनाने हैं कि सामने वाले जो फ्रंट, देखो अक्सर होता पता है क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं बैकएंड इंजीनियर कैसा हूँ, मैं आपको एक एक्सेल की शीट बना के दूंगा, सारे एंड पॉइंट लिख के, पैरामीटर्स लिख के, खुद कर लो जो करना है, सारे एरर्स, सारे सक्सेसफुल मैसेजेस लिख के दे दूंगा, उसके बाद मुझे तंग नहीं करना, मैं ऐसा हूं। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप उस तरह की वर्डिंग यूज करो कि सामने वाला खुद देख के समझेगा यार इसमें ये काम हो रहा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी कोई पूछोगे मसला नहीं है, डबल ट्रिपल द बार बताऊंगा। एक बात बता, आपको वो चीज यूज करनी है कि सामने वाला इजीली ग्रैब कर सके कि आपने कहा क्या है, लिखा क्या है। ठीक, ओके। अब तो क्योंकि क्योंकि अभी बताता हूँ, देखो अभी मैंने एंड पॉइंट बनाया है, ठीक है, ये एक एंड पॉइंट है एपीआई का। ये अब इसमें मैं जो डेटा फेच कर रहा हूँ ना, वो पैरामीटर से कर रहा हूँ, किसकी, एपीआई के यूआरएल से, जो यूआरएल से पैरामीटर आ रहा है, और उसमें मैंने कॉलन करके आईडी बताया हुआ है, तो वो जो आईडी है ना, वो पैरामीटर से मुझे यहाँ रिसीव हो रहा है। क्या मतलब, अभी देख लेते हैं। सेव किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पर आया, बॉडी की कोई जरूरत नहीं है, बॉडी हटाई, मेथड कौन सा मेथड हमारे पास आया, डिलीट। वालेकुम सलाम, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर ये सब हटाया और लगा दिया कंट्रोल वी, और इंस्टेड ऑफ आईडी, इंस्टेड ऑफ कॉलन आईडी, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, सही। हाँ सबर, आप थोड़ा सबर रखें ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है, 1 2 3, सही है। अब हम सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं एक दफा, CCCLS NPM start, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने हिट लगाता हूं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैंने सेंड किया और कैंसिल किया, जहां कॉलन आईडी लिखा था अभी वहां मैंने क्या भेजा है, ID 1 2 3, API/delete/ user। जब आप पैरामीटर वाली API बनाओगे तो कॉलन करके उस पैरामीटर का नाम दोगे जो वहां मैंने आईडी दिया, ठीक है, और जब उसको कॉल करोगे तो आपने कॉलन करके वो पैरामीटर नहीं भेज देना, आपने वो अपनी डेटा भेजना है जो तुम वहां तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो मैंने अपना 1 2 3 भेजा, तो अब यहाँ पर इसको वो मिला, ठीक है। हालांकि मैं 1 2 3 नहीं भेजूंगा, मैं क्या भेजूंगा, मैंने यहाँ पर ये जो आईडी जनरेट हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ से पूरी आईडी कॉपी कर लेता हूँ, और अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ 1 2 3 ये भेजता हूँ 64C7 सेंड, 64C7, जब आपने क्यूरी पैरामीटर वाली एपीआई बनानी हो, जिसमें आपने यूआरएल के अंदर ही डेटा ले रहे हो, आप इसको देखो, API/delete/user/colon ID। अब ये जो कॉलन आईडी है ना, ये मुझे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स में मिलती है। रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर मतलब ये एपीआई का यूआरएल है, और ये इसका जो लास्ट वाला ये एरिया पैरामीटर है, क्योंकि मैंने कॉलन लगाकर बताया हुआ है कि ये पैरामीटर है। सर ये डिलीट करेगा, ये आपके डिली आईडी को डिलीट नहीं करेगा, जिस ये देखो, एक Item Number 1, Item 2 और ऊपर Item 3 है, जिस एलिमेंट को मैं टारगेट करूंगा उस एलिमेंट को डेटाबेस से रिमूव करेगा, परमानेंटली डिलीट करेगा। अब हम देख रहे हैं डेटाबेस से डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, क्लियर, ओके। अच्छा, कोई और ऐसी चीज जो आप लोगों ने ट्राई करी हो, जो भी देन कैच से मैं काम करवा रहा हूं, किसी ने एसिंक अवेट से चलाकर देखा, भाई आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे सर क्या, हाँ हाँ
पक्की बात है ना, टोपी तो नहीं है। तो ओके फिर ऐसा ओके मैं आता हूं। अच्छा अब मैंने इसको बोला कि मेरे पास आईडी तो आ गई है, अब मुझे क्या करना है। अब मुझे डेटाबेस के लिए सबसे पहले देखो, जब भी कोई चीज, अब आपको आईडी तो मेरे पास आ गई, सही है। सबसे पहले एक फंक्शनैलिटी लगा लेते हैं कि अगर आईडी ना आई, ठीक है, हाँ हर किसी के अलग अलग आएगी, जो आप भेजोगे वो आएगी। इफ नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, ये फ्रंट एंड वाले का काम है, वो खुद हैंडल करेगा। इफ आईडी नहीं है, क्या मतलब? फॉल्स ऑपरेटर लगा दिया तो क्या करा दो? रिटर्न, हाँ वो भी लगा दो, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। कौन सा भेजना है? 400? क्यों? फ्रंट एंड का एरर है, वो आईडी नहीं भेज रहा। 4 की लाइन के एरर्स का मतलब है फ्रंट एंड के एरर्स, क्योंकि वो आईडी नहीं भेज रहे। सही है। 400 डॉट सेंड भेज दो, क्या भेजो? स्टेटस, कॉल, और मैसेज पे लिख दो, क्या लिख दो? आईडी इज रिक्वायर्ड, नहीं जो मर्जी लिख लेना। आईडी इज रिक्वायर्ड, ऑल शिफ्ट टैब, सेव किया। तो यस बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड एंड उसके बाद फिर बैकएंड वाला अलग करें ये हमें। मैं बैकएंड वाला काम कर रहा हूँ, सही है। फ्रंट एंड से जब आपने किसी आइटम पे क्लिक करोगे, जब डेटा को मैप किया हुआ होता है, आइटम में डेटा मिल नहीं जाता, वो वहां से आईडी फेंकना, ठक, समझ आ रहा? आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, वापस आते हैं, और अब मैं भेज रहा हूं आईडी कुछ भी नहीं, सही है। स्लैश सेंड मैंने लिखा 404, और वो एरर उसने नहीं दिखाया जो मुझे दिखाना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, क्या कह रहा है? नहीं आया उसके पास कोई एरर, ठीक है कोई इशू नहीं है, अभी देख लेते। थोड़ी देर के लिए इस एरिया को हम यहाँ पे बाउंड कर देते हैं। अच्छा अब सक्सेसफुल मैसेज के लिए क्या करें, मतलब अब डेटा को वाकई में हमने डिलीट करवाना है तो क्या करें? तो हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल, ये यूजर क्या है, ये यूजर क्या है, अच्छा ये यूजर का जो स्कीमा बनाया था, ये वो है, जब भी आपने डेटा ऐड करना हो, डिलीट करना हो, जो मर्जी करना हो, आपने उसके डेटा स्ट्रक्चर में जो स्कीमा बनाया हुआ है, आपने उसको टारगेट करना होगा। क्लियर है? ओके हाँ, ये नहीं, ये डिलीट करने का नहीं, ये तो एक वैलिडेटर लगाया था जो कि अभी नहीं चला। हमारा मेन काम तब ये हो रहा है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको हम इसके बाद हम आएंगे थोड़ी देर में। मैंने बोला यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों है, दोनों लगा लो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट लगाने वो लगा लो, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव है वो लगाने वो लगा लो, जो तुम्हारा दिल करे वो लगा। ठीक है ओके, लगा लिया भाई। ठीक है अच्छा, दोबारा बताओ मैंने कौन सा फंक्शन लगाया है, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव। आईडी हम रिसीव कर रहे हैं, आईडी हम पास कर देते हैं यहां पर, ठीक है। जल्दी कर भाई, आईडी
क्या हो गया, आईडी हमें यहाँ पे मिल गई, और उसके बाद मैंने बोला डॉट देन, देन चलने तो दो पहले, और डॉट कैच। सबसे पहले हम इसको बोलेंगे ERR कंसोल डॉट लॉग, क्या समथिंग वेंट रॉन्ग, वाइल डिलीटिंग यूजर, और उसके बाद मैंने बोला जो एरर है वो भी दिखा दो, ठीक है, जो एरर है वो भी दिखा दो, और उसके बाद मैंने बोला यहाँ मिलता है सक्सेस SUCC। ठीक है, यहां पर मुझे रिटर्न करा दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्या 200 डॉट सेंट, स्टेटस क्या भेजेंगे, ट्रू। 200 तब यूज होता है जब आपकी एपीआई प्रॉपर फंक्शनल वर्क कर जाए और जो आपका रिक्वायर्ड टारगेट हो वो पूरा हो जाए। बिल्कुल ना, नहीं, ये कितनी दफा तो मैंने दिखाया है, एपीआई स्टेटस कोड थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा है, ठीक है, क्या कह रहा है, बोल रहा है कि टू वाली लाइन इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, सारा काम सक्सेसफुली सही से चल गया, ठीक है। फोर वाली लाइन द कैटेगरी ऑफ एरर स्टेटेड कोड पॉइंट्स द फिंगर एट क्लाइंट्स, वो थोड़ा कुछ और ही लैंग्वेज में बात कर रहा है, आसान लफ्जों में उसके कहने का मकसद ये है कि मसला जो है फ्रंट एंड वाले की तरफ से, वो डेटा आपको गलत भेज रहा है, फोर एक्सेस मतलब 0000 को वो एक्सेस सिखा रहा है, कहीं फिंगर बोल रहे कभी एक्सेस सिखा रहा है। 550 का मतलब है कि सर्वर आपकी तरफ से है, मतलब एरर जो है सर्वर की तरफ से है, ठीक है, ओके। वापस आते हैं, और यहां पे मैंने लिख लिया स्टेटस ट्रू, और मैसेज में मैंने भेज दिया, मैसेज में यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और अब मैं आपके सामने जाता हूँ, सर्वर को एक दफा रिस्टार्ट करता हूँ, NPM स्टार्ट, और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। मैं आपके सामने डेटाबेस पे गया, अहमद की आईडी क्या नजर आ रही है, लास्ट में 4D, थोड़ा सा जूम करते हैं, 4D दिख रहा है, और निक में क्या दिख रहा है, 4F। हम जॉन की आईडी उठा लेते हैं जो के लास्ट में क्या है, 851, ठीक है, हम इसको उठाते हैं, और 851 का नाम क्या है, जॉन, ईमेल john@gmail.com, सही है। हम वापस आते हैं और देखते हैं अगर हमने कोई मसला नहीं किया तो, ठीक है, बिल्कुल, हमारी डिलीट की एपीआई है, पैरामीटर मैच कर लेते हैं, एपीआई डिलीट यूजर और आईडी, एपीआई डिलीट यूजर और ये रही आईडी, और मेथड हमने सिलेक्ट किया हुआ है कौन सा, डिलीट का, क्योंकि अब हम पहले भी चलते थे ना, अपडेट होते रहते हैं, वो है, सही है। तो अब मैं करता हूं स्टेटस को 200, ओके, स्टेटस ट्रू, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहां पर वो मुझे बता रहा है ये आईडी रिसीव हुई है विद द लास्ट आईडी 851 डिलीट और दिस 200। अब अगर मैं डेटाबेस को जाकर रिफ्रेश करूं तो ये वाली आईडी वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हाँ, जॉन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वापस आया, ये अभी मुझे जॉन दिख रहा है, मैं वापस आता हूं, और इसको यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन है इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, अहमद था,
सही है, नेक। और अब मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई जो आप कोई प्रोडक्ट डिलीट करना हो, जब यूजर अपना अकाउंट जो डिलीट कर देते हैं ना फेसबुक वगैरह से, डीएक्टिवेट कर, डीएक्टिवेट तो एक अलग चीज है। हाँ वो एक अलग चीज है, वो दोबारा एक्टिव भी हो जाती है। जो डिलीट करने वाला सारा प्रोसेस हर जगह पर चल रहा है वो इस तरह चल रहा है, जो दोबारा कभी भी अब एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने स्टोर से ही रिमूव करवा दिया परमानेंटली। अब आप इस कोड को 1-2 मिनट के लिए देखो और मुझे बताओ कि इसमें किसको कहां पर किस टाइप का मसला है। ठीक है, डिलीट का मेथड तब यूज करेंगे जब क्या करना होगा? नहीं नो 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 नो, मोंगो डेटाबेस से कोई भी एलिमेंट को रिमूव करवाना होगा। सही है, ओके। क्यूरी क्यूरी वाली एपीआई, मतलब एपीआई के यूआरएल से पैरामीटर के जरिए डेटा रिसीव करना। ओके, मैं आपके सामने ये कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया यूआईडी, ठीक है, यूआईडी, ठीक है। अब मुझे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर में उसको सजेस्ट देना चाहिए, वो आईडी नहीं है, वो यूआईडी है। मैंने यहाँ से इसको हटाया, वो मेरे को क्या बता रहे हैं, यूआईडी आने वाली है। ठीक है, यूआईडी लिख लिया मैंने, कॉपी किया, और इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, रोल भी, और इधर भी लिख लेते हैं। जब भी आपको डेटाबेस से यूजर डिलीट करना होगा तो आपको आईडी कैच करनी है, और उसके लिए आपके पास मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, जो आपको क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है, देन कैच, जिसमें आपको सक्सेस और एरर मिलता है। डिलीट करने के लिए क्या नहीं भेजी तो है, हमने बैकएंड की आईडी तो भेजी है। बिल्कुल इस तरह से जाएगी। कोई और तरीका अगर सीखना चाह रहे हो तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल है, एक और तरीके से करके देख लेते, ठीक है। हाँ आसान है, लेकिन और भी आसान है। ठीक है, मैंने किया कि इसको यहां से बंद कर देते हैं, ठीक नहीं है। अब आपने जैसे कि बोला कि भाई डिलीट विलीट वाले मंजन समझ में नहीं आ रहे, हमें दो चीजें आती हैं और दो चीजों से काम करेंगे, एक गेट आता है एक पोस्ट आता है, और कुछ भी नहीं आता है, और यही दो मेथड जो है ना 80% यूज हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको पोस्ट से डिलीट करवा के दिखाने लगूं। ऐप ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट का मेथड मैंने यूज किया, और यूआरएल में आपसे कॉमा दिस, और मैं इस वाले को उठाता हूं। लेकिन लेकिन जब भी आप पोस्ट का मेथड यूज करोगे, क्यूरी पैरामीटर यूज नहीं करोगे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये देख रहे हो, अब आपके पास आईडी ऐसे आ रही थी, अब वो बॉडी से आएगी, अब वो बॉडी से आएगी, क्लियर है, अब वो बॉडी से आएगी। मैं आता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और मैं क्या करता हूं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और अब मैंने बोला कि मेरे पास बॉडी से क्या आएगी, आईडी। तो लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, क्या मिलनी है, आईडी, आईडी, ठीक है। और उसके बाद मैं कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, बॉडी यस। अब आपने बोला है कि पोस्ट का मेथड यूज करो, बॉडी से डेटा आईडी आ रही होगी, वो लेकर आओ। चला जी बिल्कुल बिल्कुल जी, दी हाँ हाँ भी दिखाता हूँ, भी दिखाता हूँ, वो ठीक है। आईडी, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव किया। बस अभी मैंने इतना सा कोड लिखा है, पहले हम इसको चलाकर देखते हैं कि आईडी रिसीव हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। सेव किया,
डबल सी सी एल एस और एनपीएम स्टार्ट। नाम उसको कमेंट ही कर दिया है, वो तो बंद ही कर दिया अभी के लिए। ठीक है ओके, अब मैं इसको यहां से उठा लेता हूँ, इसको मैंने इस एपीआई को यहां से उठा लिया और इधर आया। अब मैं इस ये जो बड़ी लंबी चौड़ी बना रही थी इसको मैंने यहां से हटाया और अब मैंने लगा दिया ये वाला यूआरएन। और अब मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, पोस्ट, क्योंकि पोस्ट से बनाई गई है। ठीक है, बॉडी से मुझे रिसीव हो रही है आईडी। आपके पास हेडर में बॉडी दिख रहा है, बॉडी सिलेक्ट करा, जेसन कंटेंट में ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि आपने जो एक्सियोस की बॉडी है उसमें डेटा में ये वाला ऑब्जेक्ट भेजोगे। इस तरह का फिगर दिखाता हूँ यार, कितनी दफा तो दिखाया है यार, दिखा देते हैं। ओके पहले यहां से भेजते हैं। अच्छा अब ये आईडी में मैंने भेज दिया 1 2 3 4, सही है। मैंने सेंड मारा, इसको कैंसिल मारा और यहां पर मेरे पास आईडी 1 2 3 4, मेथड पोस्ट कॉल हुआ है, एपीआई डिलीट यूजर की रिक्वेस्ट इसके पास आई है। क्लियर, सही है, सही है, ठीक है। बस अब आपने क्या करना है, आप यहां पर आए दोबारा, अगेन यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव डॉट देन नॉट लाइक दिस। पूरा बिल्कुल वही है, कोई अगर मसला करता है तो फिर मैं उसको देखता हूँ कि क्या मसला कर रहा है। ऑल शिफ्ट है, कैच हम उसका उठा लेते हैं, ये उसका उठा लेते हैं, हम कॉपी किया और ये ऑल शिफ्ट है। और अब इसमें फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव में क्या लिखें, क्या लिखें, आईडी। ठीक है आईडी मैंने पास कर दी। ओके सपोज करो तुम लंबी नहीं करना चाह रहे, तुमने बोला यार ये 2 लाइनें बिला वजह की जाया हो रही हैं, हटा ही देते हैं। ठीक है हटा ही देते हैं, अब यहां पर क्या लिखेंगे, हाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। ठीक है रिक्वेस्ट बॉडी डॉट बॉडी डॉट आईडी, ऑल शिफ्ट एफ, सेव किया और अब हम वापस चलते हैं। डबल सी सी एल एस, एक यूजर की हम आईडी और उठा लेते हैं, हमने जो है निक की आईडी उठा ली है। लास्ट का नंबर देख लो, 51 थोड़ी है, 4F दिख रहा है, 4F दिख रहा है। ठीक है मैं यहां पर आया, एनपीएम स्टार्ट, कंट्रोल, ठीक है सेंड मारा, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, आईडी 84F, आईडी क्या डली हुई है 84F। ठीक है अब वहां पर ये जो निक है रिफ्रेश करने पर परमानेंटली डिलीट हो जाना चाहिए। मैं आता हूं, रिफ्रेश किया और अब मेरे पास सिर्फ अहमद एग्जिस्ट करता है, ऑल अदर्स आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जी अब इसको देख लो, और बॉडी ये रहा इधर से और कोर्ट से किधर है वो भी हम देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है, वहां से देखो डेटा की टाइप्स होती हैं, डेटा की टाइप्स होती हैं। अब ये बेकार डेटा है, ये हो गया होगा। ठीक है अब जैसे आप हो,
आपके पास फोन में कोई स्पेशल किस्म का डेटा है, अगर आपके पास फेसबुक और गूगल ने सब चीजों का एक्सेस लिया हुआ है, उसके पास से कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे फोन से डिलीट हो जाएगा, उनके पास से कहीं नहीं जाएगा। तो हाँ, आप वो आंसर करेंगे, आपको आंसर करेंगे वो, पाकिस्तान वालों को आंसर ना करें, मेन बात है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह कि यहाँ के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं। कोई अंदर आपने कुछ दिनों पहले एक लड़की सुनी होगी, कहाँ से, बिग डेटा इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान, हायर्ड बाय गूगल। हाँ, शफीका इकबाल, डेटा इंजीनियर फ्रॉम सादगाबाद। ठीक है, 24 ईयर्स की लड़की है। जिस बिग डेटा इंजीनियर क्या होता है पहले थोड़ा सा ये देखते हैं। ठीक है, यह भी आपके पास बहुत छोटा सा डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा भर के डेटा है, और आपस में डेटा स्ट्रक्चर्स के रिलेशंस हैं, उनको हैंडल करना बिग डेटा इंजीनियर कहलाता है, बिग डेटा हैंडलर, बिग डेटा इंजीनियर कहलाता है। जो जी डेटा साइंटिस्ट भी वही होता है, डेटा इंजीनियर भी वही होता है। डेटा को हैंडल कैसे किया जाए, डेटा को मतलब के हर रिक्वेस्ट पे डेटाबेस पे हिट ना लगाई जाए, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करना, डेटाबेस सिक्योर रहे, ये वाली चीजें देखना। सही है, चीज आसानी से डिलीट ना हो सके, वो वाली चीज देखना। अब आप देखो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि फेसबुक है, सही है, बंदा बेचारा नॉर्मल बंदा जो है वो ढूंढता रह जाए लॉग आउट किधर है, फिर बंदा बोले यार इधर जाकर देखो, तो कहीं जाके वहां छुपा हुआ बटन है। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है भाई हमारा बंदा लॉग आउट करे। आपको ऐसी चीजें छुपा के ही रखनी होती हैं कि यूजर आपकी चीज से भागे नहीं। हाँ, बहुत उन्होंने रखा भी नहीं है, आप लॉग आउट करो ही नहीं भाई। जितनी देर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, सेकंडों के हिसाब से पैसे उसके अकाउंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है बड़े मजे मजे की दुनिया है। हाँ 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 ऐसा ही हो, नहीं हो सकता ना यूज करो, मतलब पब्लिसिटी ऐसी है। फेसबुक आप खुद देखो ना कि इस इंस्टाग्राम लेवल का नशा है कि बंदा स्क्रॉल करते भी नहीं मैंने सकता। मैंने हाँ मोबाइल में इंस्टा फेसबुक किसी यार, अगर फिर कुछ और है ना तो वो गलत है, सच को बता रहा हूँ। किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले अभी भाई, फ्रंट एंड बना के लाओ। नहीं, भाई मैं दिखा रहा हूँ, वो तो दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। अच्छा और अभी पढ़ाई का टाइम है, 2 महीने रह गए, एक एंट्रेंस है और एक बाहर है भाई, फार्म हाउस करवा दिया है मैंने। वैसे फीस का रिकमेंड किया है, हाँ कि भाई फीस का चलो। तो क्या काम हाँ बोलेगा हाँ भाई, जो एग्जाम में बैठना है वो आ जाए, अब जबरदस्ती नहीं। 12 12 शामिल वो अब बेहतर जानते हैं कब निकलेंगे, लड़की हैं 9 10 घंटे, 9 10 घंटे पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे तो लेंगे ना तो यार। वो बिल्कुल रिजॉर्ट था, वो रिजॉर्ट था, लड़के मना कर रहे हैं। हाँ, बाकियों के भी आए हैं। मैं
हम इसको करते हैं एनपीएम स्टार्ट, रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? सेव इमेज इज नॉट डिफाइंड। इस एरर को कौन सॉल्व करेगा सर? सेव इमेज इज नॉट डिफाइंड, ये आ रहा है। इस एरर को देखो और बताओ कौन सॉल्व करेगा। लाइन नंबर 136 267, इधर देख लो रिलीज कर भाई, वो ये फ्रंट एंड का एरर है। मैंने प्रोजेक्ट खोला, उसने ये बता दिया। कौन सी लाइन दिखाऊं ये बताओ। हाँ 136, ये बॉडी है सर, ये बॉडी है ये। सेव इमेज, सेव इमेज के फंक्शन पे जाऊं, मिल नहीं रहा। ठीक है, ऊपर जाके देखते हैं सेव इमेज किधर है। सेव इमेज है ही नहीं। सही है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने कोड कमिट किया हुआ, ये मैंने किसी वजह से किया था, मैं टेस्टिंग कर रहा था। अच्छा और अब हम आते हैं किस पर। मैं इंस्टेड ऑफ सेव इमेज आई विल यूज सिलेक्ट इमेज। ठीक है, सेव किया और अब मैं वापस आता हूँ एपीआई को। मैं एक दफा नजर मार ले, इधर देख लो भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। फ्रंट एंड में मेरे पास डेटा भेजने के लिए जो एपीआई है वो है ये। सही है, एक्सियोस मैंने यूज किया, मेथड यूज किया मैंने पोस्ट। ठीक है, यूआरएल में मैंने बता दिया एपीआई का यूआरएल, और ये मैं भेज रहा हूं डेटा। डेटा में रखा हुआ है फॉर्म स्टेट। फॉर्म स्टेट को अगर तुम जाकर देखो तो फॉर्म स्टेट में मेरे पास ये सब रखा हुआ है जी। अब सपोज करो ये तुम्हारे लिए डिलीट की एपीआई है, तुमने क्या करना है, सपोज करो फॉर्म स्टेट्स में एक आईडी भी है। ठीक है, तुमने ये करना है बस, ये बनाया आईडी और उसमें पास करा दिया फॉर्म स्टेट नॉट फॉर। हाँ, फ्रंट एंड से डिलीट वाला काम नहीं करवा रहा मैं, दिखा रहा हूं कि देखो अगर भेजना हो तो ये तरीका है। ये देखो, ये किस सूरत में, जब पोस्ट के जरिए से करवा रहे हो। ठीक है, वरना पैराम्स वाला भी बताया, वो भी है। इसको हटाते हैं और वापस उस पर आते हैं, फॉर्म स्टेट्स पर। सेव किया और मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इधर से भेजूंगा ना डेटा, तो वहां पर क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। सही है, मैंने किया हाँ हाँ 12 की सुबह 12 की सुबह। यार मैं बोल कर देख लेता हूँ, मैं असल में पैसे दे दिए हैं कुछ है। यार एक दिन आराम करने का होगा, उसके बाद बंदा काम पे जा सकेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। mehran@gmail.com, इधर देख लो अभी, mehran123, मैं साइन अप कर रहा हूँ और साइन अप मैंने दबा दिया है। और मैंने क्योंकि कोई सक्सेस मैसेज नहीं दिखाया, तो मेरे पास कंसोल में वो एक ऑब्जेक्ट लेकर आया है जिसमें लिखा हुआ है यूजर एडेड सक्सेसफुली स्टेटस ट्रू। अब अगर मैं आपको यहाँ पे आकर दिखाऊं और मैं रिफ्रेश करूं, तो अहमद के साथ कौन होना चाहिए?
सही है, आपके पास डेटा डेटा के जरिए से आया फ्रंट एंड से, सेम चीज वीडियो रिकॉर्डेड है, आपके पास आईडी भी जा रही है, जिस तरह जो चीज भेजना चाहोगे भेज सकते हो।